5:30 बजे आ गए और देखा कि इधर 7 बजे वोट डालने हैं, तो इसलिए थोड़ा अभी 7 बजे ही आएंगे। बड़ी खुशी है वोट पाने सहला ही है ही। बस शुक्रिया, उन्हें भी जरूरी आना चाहिए। ठीक है, सारे आन, सरकार खुशी है सानू कि सारे आन। तो आपने देखा कि किस तरह से तैयारियां पूरी है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या कुछ और दृष्टि से हो, लेकिन बस एक ही चीज है कि मौसम कैसा रहता है। जैसा मनोज ये बता रहे थे उदयपुर जिले में, वो थे कि मौसम थोड़ा जो है शुरुआती वक्त पे बारिश का मौसम था। और इस वक्त हमारे साथ चरणजीत जुड़ चुके हैं कठुआ से, कठुआ से ही एक और दूसरे लोकेशन से हमारे साथ राजन वैद बने हुए हैं। राजन, क्या बारिश शुरू हो गई आपके पास? बिल्कुल, देखिए बारिश शुरू हो चुकी है और काफी हैवी जो है इस वक्त बारिश जो है हो रही है, भारी जो है बारिश शुरू हो चुकी है। जी। अब जो हालांकि जो पोलिंग है वो 7 बजे शुरू हो जाएगी पोलिंग स्टेशन पे। अब देखना होगा इस बारिश के बीच में सुबह सुबह कितने लोग आ पाते हैं। लेकिन हम मुद्दों की बात कर रहे थे तो यहाँ जो कठुआ में है वो सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा रहा हमेशा से वो अनएम्प्लॉयमेंट रहा। यहाँ पे जो जो युवा है उनकी हमेशा से मांग रही है कि इंडस्ट्रियल जोन जो है वो कठुआ में बनाया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे पहले अगर कहीं कुछ इक्का दुक्का इंडस्ट्री है स्थापित हुई तो वो कठुआ में ही हुई, और कठुआ में काफी इसका स्कोप भी इसलिए है कि ये पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका है, और ऐसे में यहाँ के युवाओं की हमेशा से मांग रही है कि यहाँ पे अलग से एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए वो क्रिएट होंगी। और हालांकि जो है जो हुकूमत है उसने ये दावा भी किया है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है नहीं उसके बाद जो कठुआ है वहां पे जो है एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो किसान हैं उनकी हमेशा से ये मांग रही थी, और वही जो है जब पीएम मोदी ने यहाँ उधमपुर में रैली की थी उन्होंने भी कहा था कि शाहपुर कंडी का जो पानी है वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान जाता रहा और पिछली हुकूमतों ने उसको ध्यान नहीं दिया, और जो है उस पानी का जो इस्तेमाल है वो यही कंडी के जो इलाके हैं कठुआ के वहां पे खेती के लिए होगा। तो कई तरह के जो यहाँ पे जो लोगों की मांगे रही हैं, हालांकि उनमें से कुछ पूरी हुई हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं, और लोगों का यही है कि हम उसी कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे जिस पे उनको विश्वास होगा कि वो उनके इलाके की खासकर जो कठुआ जिला है उसकी जो है डेवलपमेंट करवा सके। और यहाँ पे जो जो ये इलाका है और यही यहाँ से ही पास लखनपुर है, हम इसे कहेंगे, हम इसे एंट्री गेट भी कहते हैं जम्मू कश्मीर का, और जितने भी सैलानी आते हैं हालांकि वो यहाँ से ही होते हुए जम्मू आते हैं और जम्मू से कटरा या आगे की तरफ जाते हैं। और यहाँ के लोगों की ये भी मांग रही है कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो है वो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जब सैलानी जब बाहर से आते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं जम्मू कश्मीर में तो कठुआ में भी एक दिन का वो हॉल्ट करें। और तो इस तरह की जो मांगे हैं वो हैं। हालांकि मौसम जैसा भी है लेकिन पिछली दफा भी यहाँ पे जो पोलिंग परसेंटेज था वो अच्छा था, और इस दफा भी लगता है कि आगे जो दिन आगे बढ़ेगा मौसम साफ होने के इम्कान है, और जो लोगों का जो उत्साह है जोश है वो भी हमें पोलिंग स्टेशन में देखने में आएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। चरणजीत के पास अब चलते हैं, चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, हमें ये बताएं कि इस वक्त मौसम वहां पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप कौन से बूथ के आसपास मौजूद हैं? क्या लोग आना शुरू हो चुके हैं? हालांकि थोड़ा भी समय है पोलिंग शुरू होने में। जी विशाल, बिल्कुल बता दूं जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है और इस समय जो है बारिश यहां पर जो है शुरू हो चुकी है, और वहीं उत्साह जो है वो यहां पर काफ़ी लोग जो है मतदाता हैं उन्होंने देखा जा रहा है। कुछ ही समय पहले एक महिला जो है वो अपना जो फैमिली के साथ यहां पहुंची थी और 6 बजे वो यहां वोट डालने पहुँच गई, तो उनका यही कहना था कि काफ़ी एक्साइटेड हैं। और कई युवाओं से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि एक लंबा इंतज़ार के बाद जो है वो पहली बार वोट डालेंगे, काफ़ी एक्साइटेड हैं, अपने मुद्दे जो है उनको लेकर जो है आज यहाँ वोट करेंगे। और विशाल मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत आता एक पोलिंग स्टेशन है, और इस पोलिंग स्टेशन को जो पिंक पोलिंग स्टेशन के नाम से घोषित किया गया है। और वही बता दूं कि इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी मतदान करवाने वाली जो महिला है वो कर्मचारी जो महिला रहेंगी, तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं का जो प्रतिशत बढ़ाने की जो एक कवायद है, एक
कोशिश है वुमेन एम्पावरमेंट की वो इस बूथ पर देखने को मिल रही है। तो एक्साइटमेंट काफी है। मैं तस्वीरों इस तरफ विशाल दिखाना चाहूंगा कि जो मतदाता हैं वो बारिश के कारण जो यहाँ पर साइड पे खड़े हो गए हैं, लेकिन 7 बजे का समय है और 7 बजे का इंतजार वो कर रहे हैं कि उस समय वो जाएं और अपने मन पसंद जो नेता है उन्हें चुने और अपने मत का जो है वो प्रयोग करें। हालांकि बारिश जो है जिला में शुरू हो चुकी है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो उसके बावजूद भी जो है वो मतदाताओं में देखने को मिल रही है। रही मुद्दों की बात, तो काफी सारे मुद्दे जो हैं वो राजन बैद हमारे साथी राजन बैद जी ने बता दिए हैं। बेरोजगारी एक यहाँ पर एक अहम मुद्दा रहने वाला है। वहीं इंडस्ट्री पॉलिसी की बात करूं तो कई जिस तरह 370 हटने के बाद काफी निवेश जो है यहाँ हुआ है, काफी इंडस्ट्री जो है कठुआ में आई है, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे, वो हर बार वोट देते हैं और हर बार ठगा महसूस करते हैं, लेकिन इस बार उनकी स्ट्रेटजी भी कुछ अलग देखती हुई नजर आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि मिसाल यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी शुरू में आई थी कि अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पर आती है तो स्थानीय युवाओं को जो है यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। हालांकि ये बता दूं तो कठुआ में जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं वहाँ पर केवल 5 से 10% जो है स्थानीय युवाओं को रोजगार यहाँ दिया जाता है। बाकी जो बाहरी राज्यों के जो लोग हैं, मजदूर हैं, चाहे किसी भी उस पे पोस्ट पे रहे होंगे तो वो यहाँ पर काम करते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी जो है आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो भी, खास करके जिला कठुआ की बात करूँगा तो इन दिन युवा यहाँ जो काफ़ी आहत है बेरोजगारी के कारण और नशे की गिरफ्त में जो है विशाल कहीं ना कहीं दस्ता हुआ चला जाता है, जो नशा भी एक बड़ा खतरा जो है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अब देखना होगा कि युवा किस तरह बाहर आते हैं और किस तरह जो है अपने इन मुद्दों को लेकर जो वोट करते हैं। हालांकि कुछ युवाओं ने भी बात की है, उनका यही कहना है कि इस बार हम जो है बेरोजगारी जो हमें जो है नौकरियां दिलाएगा या किसी सेक्टर में जो है रोजगार के अवसर दिलाएगा तो उसी को लेकर जो है इस बार जो नौजवान है वो वोट करने बाहर आएंगे। जी विशाल चरणजीत, मैं इसी सवाल पर आपके पास आने वाला भी था कि आपने क्या महसूस किया है। जैसे आपने कहा कि मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा, एक तो 370 का मुद्दा है कि 370 के हटने के बाद किस तरह से वहां पर विकास की जो है वो रफ्तार तेज हुई है, जैसा आप लगातार दावे भी किए जाते रहे हैं बीजेपी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से। दूसरी तरफ एक मुद्दा बेरोजगारी का भी, जैसा आप बता रहे हैं, राजन भी बता रहे थे, उससे पहले आतिफ भी बता रहे थे कुछ इलाके में यह मुद्दा है। तो इस मुद्दे की चर्चा कितनी हुई है चुनावी भाषणों में, रैलियों में या और दूसरे तरीके के जो प्रचार हुए उसमें? बिल्कुल बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं जिस तरह कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है कि बेरोजगारी है कायम, उन्होंने बात रखी हुई है। तो जिला सत्र की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे दूरदराज जो इलाके हैं आज भी वहां जो हैं टूरिज्म की अगर बात करें तो हसीन वादियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत इलाके जो हमारा बनी क्षेत्र है, सरथरी इलाका है। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें तो वो टूरिज़्म के नक्शे की बात करें तो वहाँ पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी वहाँ के जो नौजवान हैं उन्हें आज भी बाहर दिहाड़ी लगाने के लिए दूरदराज बाहरी राज्यों में कहीं जाना पड़ रहा है। तो पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं, काफ़ी आहत हो चुके हैं जिस तरह से कई जो सालों से युवा कठुआ में भर्ती की बात करें, बॉर्डर क्षेत्र की भी बात करना चाहूँगा क्योंकि बॉर्डर के जो युवा हैं जिस तरह से अब तो फायरबंदी है तो राहत तो कहीं ना कहीं मिली है, लेकिन जो बॉर्डर के लोग हैं उन्होंने काफ़ी गोलाबारी का भी दंश झेला है विशाल। तो कहीं ना कहीं कईयों ने अपने जो अंग खो दिए, कईयों ने परिवार के लोग खो दिए, तो काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को होती रही। तो कहीं ना कहीं ये अगर सरहदी इलाके की बात करूं तो इस मुद्दे को हमने कई नेताओं के आगे भी उठाया, चाहे कोई पुलिस के बड़े अधिकारी उनके सामने भी बात रखी गई तो उन्होंने भी ये कहा कि देखेंगे सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं युवा हैं नौजवान सरहदी इलाके